हेलो सुदोस्त, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आगे मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भोजपुरी ट्रेंडिंग सॉन्ग पे स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर के। ये स्टेटस वीडियो हमारे 5 दिन के बाद आया है, इसके लिए दिल से सॉरी। कुछ कारण था, इसके लिए स्टेटस वीडियो नहीं ले आ पा रहा था, तो आज ले करके आ गया हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आप लोग इस तरह का स्टेटस वीडियो बना लीजिएगा। इस स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कीजिएगा आज आप लोग को बिल्कुल ईजी स्टेप में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग लाइट मोशन में आ जाइएगा। लाइट मोशन में आने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होएगा लाइट मोशन। ओपन होने के बाद नीचे प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी नीचे प्रोजेक्ट शुरू ओपन हो गया। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आप लोग के सामने देखने को मिलेगा ट्रेंडिंग सॉन्ग बीट मार सेके इफेक्ट और टेक्स्ट लिरिक्स, ये तीनों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप लोग लाइट मोशन में इनपुट कर लीजिएगा। इसमें जितने सारे मेटल यूज होने वाले जैसे कि वीडियो क्लिप और एक्सएमएल फाइल फोटो वगैरह, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिए मेटेरियल भी। तो सबसे पहले आप लोग सॉन्ग बीट मार्क में आइएगा। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग सबसे पहले नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को कैसे कैसे क्रिएट करना है आज भी आप लोग समझ जाइएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप मिलेगा, ये वीडियो क्लिप आपको छोड़ देना है, आप नहीं शो करेगा तो टेलीग्राम पर वहाँ से जाकर आप लोग लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग आगे आ जाइएगा, तो ब्लैक कलर का इमेज है, तो ब्लैक कलर के इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा, आपने जिस फोल्डर में फ़ोटो रखा होगा आप लोग कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ये फोल्डर में रखा हूँ फ़ोटो, तो ये फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से एड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आइएगा ब्लैक कलर का, अगले ब्लैक कलर का इमेज इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई दूसरा फोटो लगा लीजिएगा, चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो शो हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाएगा तो एक और ब्लैक कलर का इमेज आएगा, इसमें भी आप लोग फ़ोटो लगा लीजिएगा। तो कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से दूसरा फ़ोटो लगा लीजिएगा। तो ये फ़ोटो लगा लेते हो तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये जितने सारे ब्लैक कलर का इमेज है ना, ये सभी में आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा। मैं फ़ोटो एड करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो की बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ। जितने सारे ब्लैक कलर के इमेज है ना, यहाँ से लेकर के आप लोग डबल बीट तक, यहाँ तक, यहाँ से पहले आप लोग जितने सारे ब्लैक कलर के इमेज है ना, इसमें आप लोग फ़ोटो एड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आने के बाद कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहां से कोई दूसरा फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूं, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फ़ोटो कुछ यहां पे ऐसा शो करेगा अभी, चलिए दिखा देता हूं, देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। तो फ़ोटो शो हो गया, उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आने के बाद कुछ छोटा छोटा बिट देखने को मिलेगा, खाली बिट। तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, इसमें आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो थ्री डॉट पे आकर फुल कॉम्पोजिशन कर दीजिएगा, अगले बिट में आकर ट्रन टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आ जाइएगा। सेक इफेक्ट में आने के बाद, सेक इफेक्ट में आने के बाद आप लोग ये फर्स्ट वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग, इसमें मैं अपना फ़ोटो डाल के रखूँ। तो आप लोग ये इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर आके कॉपी फिट कर लीजिएगा, कॉपी फिट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग पूरा बैक कर लीजिएगा, बैक करके अपने बीट मार्क में आ जाइएगा। बीट मार्क में आने के बाद आप लोग कुछ घसका करके इस तरह से ले आइएगा जहाँ आप लोग फ़ोटो एड किया था। चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो एड किया हूँ, तो आप लोग फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, फिर पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पर आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग एक और फ़ोटो यहाँ पर लगा लीजिएगा, एक और फ़ोटो, चलिए मैं लगा लेता हूँ, तो आप लोगों के दिखा देते, ये फ़ोटो लगा लिया हूँ मैं। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके फुल कॉम्पोजिशन कर दीजिएगा, अगले बीट मार्क ट्रन टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट भी वही लगा लीजिएगा, तो इफेक्ट फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री डॉट पे आके पेस्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, इफेक्ट पेस्ट हो गया। इसी तरह से आप लोग फोटो एड करके आप लोग फर्स्ट वाले इफेक्ट के यहाँ से यहाँ तक 16.29 सेकंड तक डब्ल्यू बीट तक आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद नीचे का ऊपर का साइड स्क्रॉल डाउन कीजिएगा आप लोग, तो कुछ इस तरह से तीन एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग तीनों में फ़ोटो रिप्लेस करना है, तो तीनों में एक ही फ़ोटो लगेगा, कोई सेम फ़ोटो लगाइएगा आप लोग। तो फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, थ्री सॉरी कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा,
आप लोग यहाँ पे तीनों फ़ोटो कोई एक सा भी लगाइएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ। ये फ़ोटो यहाँ पे देखिए पहले में लग गया, दूसरे में लगाता हूँ तो दूसरे पे क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग पहले जो फ़ोटो लगाए तो वही फ़ोटो आप लोग लगाना है, तो आप लोग दूसरा फ़ोटो मत लगाइएगा ना तो एनिमेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बता रहा हूँ आप लोग तीनों में सेम फ़ोटो लगाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ से लगा लेता हूँ फ़ोटो। तो देखिए फ़ोटो में लगा लेता हूँ। तो देखिए मैं फ़ोटो लगा लिया हूँ। तो देखिए एनिमेशन कुछ अभी इस तरह से दिखेगा, देखिए एनिमेशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे आ जाएगा नेक्स्ट वीट में, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट वीट पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो रिप्लेस करता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए फ़ोटो कुछ इसमें शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद आगे आ जाएगा, कुछ आगे आने के बाद कुछ इस तरह से खाली पेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसमें कुछ मत कीजिएगा, क्या करने का ध्यान से देखिएगा। आप लोग यहाँ से आप लोग इसको दबा के रखिएगा, दबा के रखिएगा, प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी लेयर कर लीजिए। कॉपी लेयर हो जाएगा, अगले बीट में आ जाइएगा, प्लस वाले डब्बे पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट लेयर कर लीजिएगा। तो आप लोग नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन कुछ इस तरह से कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट बीट में आप लोग छोटा पड़ गया है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको दबा दीजिएगा, तो देखिए बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कलर फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से चेंज फोटो कर दीजिएगा, कोई दूसरा फोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए फ़ोटो कुछ यहाँ से इस तरह चेंज हो गया है। इसी तरह से आप लोग यहाँ से पेस्ट करके फ़ोटो चेंज कर दीजिए, कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 सेकेंड तक आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे का साइड स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग मिस्टेक हो गया है, यहाँ तक आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर दीजिएगा। बड़ा बिट है ना ये, बड़ा तक यहाँ तक आप लोग ऐड कर दीजिएगा। एक और छोटा बिट देखने को मिलेगा आप लोग को, तो छोटा बिट में आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ से फ़ोटो लगा लीजिएगा छोटा बिट में। कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से दूसरा कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए फ़ोटो को जिस तरह से शो हो जाएगा, फ़ोटो शो हो गया। उसके बाद आगे आ जाएगा तो एक वीडियो क्लिप मिलेगा। ये वीडियो क्लिप भी हमारे टेलीग्राम पे आप पे शो नहीं करेगा, तो वहाँ से ले जाके आप लोग डाउनलोड करके लगा लीजिएगा। तो उसके बाद आगे आ जाएगा कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये सभी जितने सारे एनिमेशन जो ब्लैक कलर के इमेज है ना, इसमें आप लोग अलग अलग फ़ोटो लगाइएगा, अलग अलग करके अलग अलग में फ़ोटो लगाइएगा। तो आप लोग सबसे पहले नीचे में आ जाइएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए फ़ोटो कुछ ये पहला में इस तरह शो हो गया, दूसरा में आप लोग क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग दूसरा में कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो लगा लेता हूँ, देखिए दूसरा में फ़ोटो ऐड हो गया। उसके बाद आगे आ जाएगा तो तीसरा में आप लोग क्लिक कीजिएगा, कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए तीसरा में फ़ोटो शो हो गया इस तरह से। आप लोग चौथा में आ जाइएगा आप लोग, तो चौथा पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी कलरफुल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो लगा लीजिएगा। देखिए फ़ोटो कुछ इसमें भी शो हो गया, इसमें भी देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आइएगा तो तीन और देखने को मिलेगा, तो इस सभी में आप लोग फ़ोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं ऐड करके बता दे रहा हूँ कैसे आप लोग फ़ोटो लगाने का है। तब चलिए मैं ये फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग भी इसमें भी सेकेंड वाला भी आप लोग फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए फटाफट में वीडियो को फ़ोटो को ऐड करता हूँ, आप लोग इस पर आ जाइएगा। देखिए फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ मैं, तो इस चलिए मैं ये फ़ोटो ऐड करता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए सभी में आप लोग फ़ोटो ऐड हो गया है, फ़ोटो ऐड हो गया है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो शो करेगा। उसके बाद आगे आ जाइएगा, आगे आने के बाद आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़िला है, ये हमारा ज़िला हजारीबाग है। तो आपका ज़िला अगर होएगा तो आप लोग ज़िला को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बैक कर लीजिएगा। आप लोग बैक करके टैक्स लेरिस में आ जाइएगा। टैक्स लेरिस में आने के बाद आप लोग कुछ मत कीजिएगा, ये जो हजारीबाग लिखा देखने को मिल रहा है आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट टैक्स पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से अपना ज़िला का नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस पर ये
PNG लिखा है ना, फोटो PNG, इस पर क्लिक कीजिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जिला का फोटो बन के रेडी हो जाएगा, फोटो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉन्ग बिटमार्क में आ जाएगा, सॉन्ग बिटमार्क में आने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन कीजिए, सॉरी इस तरह से आप लोग भगा लीजिएगा कुछ इस तरह से, जहाँ पर हमारा जिला दिखा था, चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे आपका जिला जो बनाया था, आप लोग फोटो एड किया था, तो आप लोग ये ऊपर वाले इमेज पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग जिस फोल्डर में रखे होंगे अपने जिला का फ़ोटो जो आप लोग बनाया था, वहाँ से आप लोग यहाँ से लगा लीजिएगा, तो ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा जिला है, तो हमारा जिला रहने देता हूँ। उसके बाद आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसमें आप लोग फोटो एड कर दीजिएगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से दूसरा फोटो लगा लीजिएगा। चलिए मैं लगा लेता हूँ, चलिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए फोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, फोटो शो हो गया। उसके बाद आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद छोटा छोटा बिट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ से फोटो एड करना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ये फोटो एड करता हूँ, तो 3 डॉट पे आके फुल कॉम्पिशन कर दीजिएगा, अगले बिट मार्क ट्रेंड टू राइट कर दीजिएगा। अब इसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, तो बैक करके अपने सेक इफेक्ट में आ जाइएगा, सेक इफेक्ट में आने के बाद आप लोग ये जो लास्ट वाला सेकेंड वाला इफेक्ट जो दिख रहा है आप लोग लास्ट में, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पर कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, कॉपी इफेक्ट हो जाएगा, बैक करके अपने बीट मार्क में आ जाइएगा, बीट मार्क में आने के बाद आप लोग घसका लीजिएगा कुछ इस तरह से, जहाँ आप लोग लास्ट में फोटो एड किया था। चलिए मैं घसका लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर फोटो एड किया हूँ, तो आप लोग फोटो पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पर पेस्ट पे कर दीजिए, तो देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे आइएगा, फिर नेक्स्ट में आप लोग फोटो लगा लीजिएगा यहाँ से, तो आप लोग दूसरा फोटो कोई लगा लीजिएगा, चलिए मैं ये फोटो लगा लेता हूँ, 3 डॉट पर फुल कॉम्पिशन कर दीजिएगा, अगली बेट में ट्रेंड टोड़ा रख दीजिए, अब इसमें सेकेंड वाला ही लग जाएगा इफेक्ट, इफेक्ट लग जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप लोग लास्ट में जितने सारे बीट है इसमें फोटो लगा करके सेकेंड वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। अब वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे स्पॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।